निकल रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे के क्या प्रोग्राम हैं? जो ये सातवीं मुहर्रम का जुलूस, जिसे मेहंदी का जुलूस कहा जाता है, बड़े इमामबाड़ा से छोटे इमामबाड़ा तक, इसमें हमेशा की तरह जो स्टैंडर्ड कोड लगता था प्रोटोकॉल के अनुसार, वो कोड इसमें लगाया गया है। आज जनपद को जो उपलब्ध है 11 कंपनी PSC, 4 कंपनी, 3 कंपनी RAF, 1 कंपनी BSF, ये सभी हम लोग इस कोर्स का शिफ्ट वार इसमें इस्तेमाल करते हैं। अभी सूचना इकाई जो है उसके कई लोग सादे मसलों में भी जगह जगह पर तैनात हैं। इसके अलावा रूफ टॉप ड्यूटीज हैं, ड्रोन हैं, इन सबको जगह जगह पर लगाया गया है। पूरा बॉक्स फॉर्मेशन में जुलूस चलता है, जुलूस के आगे पीछे दाएं बाएं 3 सेक्टर में पूरे रास्ते को डिवाइड किया जाता है और सभी में जो है अधिकारियों को लगाया जाता है। इसके अलावा जो संपूर्ण पश्चिम क्षेत्र है, इसको भी 6 जोन में और 18 सेक्टर में हम लोग बांटते हैं। जो स्थायी ड्यूटीज होती है, मतलब जहाँ पर जुलूस नहीं है वहाँ पर भी हम लोग की ड्यूटीज लगी रहती है। इसके अलावा जो अग्निशमन है, इनकी ड्यूटीज भी जगह जगह पर इन विभाग की लगी है। अन्य विभाग के लोग जो है बिजली विभाग, नगर निगम, उनकी ड्यूटी साथ में लगी हुई है और मदद के लिए सिर्फ डिफेंस और